कैसे हैं आप? ममताज गार्डन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं अपने ये गार्डन जो सीजनल प्लांट है उनका ओवरव्यू दिखाऊंगी। अभी आपने देख ही लिया होगा, मैंने जो ये वीडियो अभी डाली तो उसमें ये मेरे सीजनल प्लांट का ओवरव्यू था। अब मैं आपको थोड़ा उनके नाम बता दूं कि कौन कौन से प्लांट हैं जो आप नेक्स्ट ईयर सीजनल प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये पेंजी है, देखिए इसमें बहुत सारे, जब इसका सीजन था काफी इसने फ्लावरिंग की, अब इसका एंडिंग समय आ रहा है तो अब ये थोड़ा फ्लावरिंग इसकी कम हो चुकी है। ये काफी डिफरेंट कलर में थे, ये देखिए ये पर्पल कलर में है। उसके बाद ये है बर्बीना। बर्बीना को मैंने एक ही साथ दो लगाए थे, तो आप भी इसको दो तीन कलर का एक ही पॉट में लगाएं तो ये बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद दोस्तों ये है पिटोनिया। पिटोनिया के मेरे पास कई कलर हैं जो मैंने आपके साथ वीडियो बना के शेयर भी की थी, अगर आपने ना देखी हो तो ऊपर एक आई बटन आएगा, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को मेरी देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा फ्लावर है विंटर का। ये देखिए इसके ये डिफरेंट कलर हैं, ये तो बहुत ही सुंदर, इतने गुच्छे में ये खिला है कि इसमें कहीं भी पत्तियां नजर नहीं आ रही है, पूरा फूलों से ढका हुआ है। उसके बाद ये पर्पल और व्हाइट शेडेड कलर है, रेड कलर और व्हाइट, ये बहुत ही सुंदर लगता है, व्हाइट कलर बहुत अच्छा कलर लगता है इसका। ये रेड में है, नीचे ये लाइट पिंक कलर है, ठीक है, गाजरी कलर है, ये देखिए ये व्हाइट है। तो ये भी एक इसी की वैरायटी है, ये पिटोनिया की। इस समय बहुत तेज धूप हो रही है तो इसमें सुबह पानी डाला था, अब इसको फिर शाम को जरूरत है तो मुरझाया हुआ लग रहा है, लेकिन शाम को पानी पड़ेगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये है इसके देखिए गुच्छे में पिटोनिया, ये देखिए। तो ये कई डिफरेंट वैरायटी होती हैं इसकी, तो ये आप जरूर लेके आए। अब इसके बाद ये है देखिए लिली, ये व्हाइट कलर है मेरे पास और इसका एक रेड कलर भी होता है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। इसे आप गमले में लगाएं, अगर आपके पास जमीन है तो उसमें लगाएं, क्योंकि ये काफी फैलता है, इसकी जड़ें अपने आप फूटती हैं तो काफी टाइम तक ये फूल रह जाता है। अब ये देखिए ये है गजानिया, इसके भी बहुत सारे कलर हैं, मेरे पास तो इसके तीन कलर थे। ये देखिए शेडेड में है, ये व्हाइट में है, ये येलो में है, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और अगर आप इसकी थोड़ी केयर करें तो ये पूरे साल आपके साथ रह सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा केयर की जरूरत होती है। ये है कैलेंडोला, इसका अब सीजन ऑफ हो चुका है तो ये देखिए ये सब सूख चुके हैं, अब इसके बीज निकालेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये काम आ जाएंगे। इसके बाद ये है आइस प्लांट, आइस प्लांट का भी अब टाइम हो चुका है, अब ये देखिए यहाँ पर ये सूखने लग गए हैं तो, लेकिन फिर भी अभी चलेगा ये 10-15 दिन। नेक्स्ट प्लांट है इसका देखिए जिरेनियम। जिरेनियम के भी मेरे पास दो तीन कलर हैं, एक ये रेड में है, एक ये पिंक है और ये व्हाइट में है। इसको आप छोटे पॉट में भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि इसकी जड़ें ज्यादा हैवी नहीं होती हैं, ये छोटे पॉट में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये नेक्स्ट फूल है गुडेटिया, देखिए इसका मैंने टीके लेके आई हूँ, ये लाइट पिंक में है, वो व्हाइट में है, ये डार्क पिंक है, तो ये भी ये देखिए और काफी हैवी ये फ्लावरिंग करता है और ये अप्रैल लास्ट तक बना रहेगा, अगर आप थोड़ा सा इसको पानी वगैरह ढंग से देंगे तो ये अप्रैल लास्ट तक आपके पास बना रहेगा। तो दोस्तों ये था सीजनल प्लांट का ओवरव्यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।